हेलो गाइस, चलो बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर रहा है और कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा चौपी रहा है। आज यही से ओपन होने के बाद ये पहले नीचे भी आया, लेकिन नीचे आते समय भी इसका स्पीड इतना कम था कि वहां पर हमें प्रॉफिट कोई मिलने का मौका नहीं मिला। बस ये जगह पर एक थोड़ा सा मोमेंटम आया, लेकिन उसी फ्लो के साथ ही वापस भी नीचे आ गया था। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मोमेंटम चल रहा है वो चौपीनेस में मार्केट मोमेंटम चल रहा है। अगर आप डेली चार्ट की कैंडल्स को देखते हो, अभी भी मार्केट क्लोज नहीं हुआ। अभी भी देखोगे तो मार्केट अभी भी ओपन है, अभी भी 5 मिनट बाकी। आपको यहाँ पर नीचे टाइम भी दिख रहा होगा, अभी 4 से 5 मिनट बाकी अभी मार्केट क्लोज होने के लिए। तब भी हम इसका एनालिसिस को कर रहे हैं, ज्यादा कोई यहाँ पर चेंजेस होने नहीं वाले। अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट पे देखते हो तो डेली चार्ट पे देखोगे तो कंसेक्यूटिवली 1, 2, 3 एंड 4 फोर कैंडल्स कंटिन्यूसली ग्रीन बन गई है। मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ही क्रिएट होने वाला है कि यहाँ पर अभी मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है और कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। क्योंकि हो क्या रहा है, मैंने जैसे आपको बता के रखा है 41,200 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो लेवल के ऊपर जब तक मार्केट निकलता नहीं है, सस्टेन नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी कंसेक्यूटिवली 4 कैंडल्स अगर ऊपर की साइड में बन रही है, तो यहाँ पर आप भी हमारे लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं पैसा बनाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ओपन करके देखोगे चार्ट, यहाँ पर देखोगे तो ये जो 2 कैंडल्स है, ये 2 कैंडल्स इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। तो यहाँ पर आप ये मार्केट के लिए क्या करेगा, मार्केट जितना ज्यादा टाइम यहाँ पर रुकेगा उतना ही हमारे लिए बेटर है। सो और 2-3 दिन के लिए आप ट्रेड नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कल एक्सपायरी होने वाली है, तो कल देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन आता है मार्केट में। लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए कल के लिए एक्सपायरी के लिए कोई मैं बड़ा प्लान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मार्केट को जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेम हम वैसे ही प्लान में रखेंगे, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, जब तक मार्केट इसी तरीके से चल रहा है। सेम अभी जो पूरा जोन दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा जोन यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन हम सिंपल सा प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहीं पर क्लोज हो जाता है, फिर सेम ओपन होते ही ये लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है, सेम हम वापस मार्केट को बाय ही करेंगे। जब तक मार्केट नीचे नहीं आता है हम बाय करते ही चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने डिसाइड किया था यहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है, तो कई बार ये गैप ओपन हुआ। हमने एक डिसाइड किया था, अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं इसको पहले थोड़ा सा उसको सेल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सेल करते हैं मार्केट नीचे आया, फिर यही से लेवल के आसपास आसपास सपोर्ट लेने वाली वापस ऊपर चला गया। तो सेम चीजें हर दिन मार्केट में चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा अपने जो प्रॉफिट्स है उसको बचा के रखो, या फिर आपका जो कैपिटल है इसको बचा के रखो, क्योंकि साइडवेज मार्केट चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो प्रॉफिट्स है वो कम होने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं लॉसेज ज्यादा होने वाले हैं। तो इस लॉसेज को थोड़ा सा खुद को बचा के रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में पैसा बनाने के लिए पहले कैपिटल भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कल वेबिनार को ज्वाइन किया था तो आपकी आंखें खुल गई होगी कि मार्केट को कैसे देखा जाता है। कितने लोगों ने वेबिनार को ज्वाइन किया था और कितने लोगों ने उसको देखकर मजा आया, आपकी आंखें ओपन हो गई, आई ओपनर रहा ये वेबिनार आपके लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। एंड कितने लोग डेली एनालिसिस को देखकर आपको मार्केट को समझने में ईजी हो रहा है, ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। फिलहाल के लिए अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए सेम प्लान, वापस सेम प्लान करने वाले हम यहाँ पर कि फ्लैट अगर इसी जोन के अंदर अंदर मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है, वापस क्रॉस करता है, हम वापस इसको बाय ही करेंगे कंटिन्यूसली। और जो टारगेट रहेगा हमारा, जो जिस तरीके से डिसाइड किया हमने 41,200, 250, ये सारा हमारा टारगेट रहने वाला है। इससे ज्यादा हम बड़ा टारगेट कोई प्लान नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, तो कोई प्लान नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए जो एक बड़ा सा टारगेट जो दिखने वाला है, जो अभी भी एक टारगेट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट में 41,600 के आसपास आसपास 41,600 ये भी टारगेट एक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कब देखने के लिए मिल सकता है, जब ये ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हैं, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पर बाइंग करने के लिए थोड़ा सा डर लगेगा। ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, अगर आप 4 कैंडल देखते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा डर लगेगा कि कहीं ना कहीं ट्रेड करने में थोड़ी सी दिक्कत ही क्रिएट हो जाएगी। सो इसके लिए हम थोड़ा सा जब भी ट्रेड करेंगे थोड़ा सा सोच समझ कर प्लान करने के बाद ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट जो कर रहा है वही हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फिलहाल मार्केट अगर कोई गैप अप हो जाता है, जैसे कि 41,200, 250 ये लेवल के पास होता है, तो सेम वापस हम करेंगे इंट्राडे में, पहले उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, मार्केट नीचे आएगा प्रॉफिट को बुक करेंगे, फिर ऊपर चला जाएगा, इसी तरीके से प्लान करेंगे। लेकिन चीजों को समझो, एवरीडे पे ऐसी चीजें नहीं होती है। किसी दिन ऐसा होगा मार्केट ओपन हो जाएगा और उसी तरीके से निकल जाएगा। तो जब भी ओपन होता है मार्केट, पहले मार्केट को देखो क्या मार्केट कहाँ जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, फिर जाकर ट्रेड करो, वरना ऐसे ही मार्केट में फंसोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हम तब भी अब इसी सिचुएशन पे तब जब हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इसको सेल नहीं कर पाएंगे, जब तक ये 40,900 के नीचे प्रॉपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम मार्केट को बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करेंगे। मैं आपको और एक लेवल देके जाता हूँ, 40,880 के नीचे हम इसको प्रॉपर सेल करने वाले, उसके पहले हम सेल नहीं करेंगे। देखो मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, मार्केट की क्लोजिंग सेम लेवल पे हो चुकी है। तो जब तक 40,880 के नीचे मार्केट जब तक क्लोज नहीं करता, तब तक हम मार्केट को यहाँ पर सेल करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि मार्केट किसी भी एंगल से नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। भले ही मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर जाकर क्लोज करता है। कल भी यही हुआ, पहले नीचे आया फिर जाकर क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर ओपन हुआ। सेम यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम आता है तो जाकर ये ऊपर के साइड में क्लोज हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं बायस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इन बायस के साथ हमारा पैसा ज्यादा बनने नहीं वाला, क्योंकि ये सारा ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना चुके होंगे। ऑप्शन बायर की तरह देखा जाए तो मार्केट को 2-3 दिन यहाँ पर रुकने दो। अगर आप डेली चार्ट पे मैं आपको बताते तो थोड़ी सी आइडिया निकल के आएगी आपको।
डेली चार्ट पे मार्केट को इस जगह पर 2-3 दिन रुकने दो, तब तक आप ज्यादा पैसे लॉस मत करो मार्केट में, पूरी तरीके से वेट करो मार्केट को, यहाँ पर पूरी तरीके से वेट करने दो, होल्ड करने दो, फिर उसके बाद अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हमारे लिए अच्छा टारगेट मिलेगा, जो टारगेट 40,600 का भी टारगेट मिल सकता है, 600, 750, ये सारे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ये टारगेट मैं तभी लेने के लिए रेडी हूँ जब मार्केट मुझे दिखाएगा कि मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, जब मार्केट मुझे दिखाएगा कि मैं यहाँ पर पहले होल्ड कर रहा हूँ, फिर ऑप्शन बाइंग के लिए प्रॉफिट का बनने के लिए रेडी हो जाएगा। जब पहले यहाँ पर ये 2-3 दिन रुकने के बाद अगर निकल जाता है तभी हमारा एक अच्छा पैसा बन सकता है, अदरवाइज हमारा पैसा यहाँ पर नहीं बनने वाला, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे ज्यादा पेन ऐसी जगह पर ही क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर निफ्टी में देखा जाए, निफ्टी भी सेम सिचुएशन पर ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनाते ऊपर जा रहा है, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूसली, कल कम से कम इसने एक रेड कैंडल तो बनाया था लेकिन रेड कैंडल भी बुलिश ही था, वापस आज इसने कैंडल बनाया, ये आप देखोगे जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया, ये लेवल के पास जो कैंडल का लेवल है, यह लेवल के पास ऑलरेडी क्लोजिंग आ चुका है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट आता है या फिर वापस ऊपर निकल जाता है, यह हमें देखना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको आइडिया निकल के आएगा। आप देखना चाहे तो अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम में ही रहा है, आज के दिन पे काफी ज्यादा अपसाइड मोमेंटम ही में रहा है, ये कहीं पर भी एक बार भी नीचे नहीं आया, बहुत ज्यादा पॉसिबल यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हम वापस प्लेन फ्लैट ओपन होने पर वापस ऊपर के साइड में क्रॉस करता है तो हम उसको वापस बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात को याद रखो अभी फिलहाल के लिए जिस जगह पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो निफ्टी कहीं ना कहीं छोटे से स्मॉल स्मॉल क्या है इसके पास, ये स्मॉल है जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ये रेजिस्टेंस पे अभी कैसे रिएक्ट करता है देखना पड़ेगा कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आता है मार्केट या फिर इससे और भी ऊपर चला जाता है, देखते हैं। हम कल का प्लान क्या करेंगे निफ्टी में, यहाँ पर हम इसके बाद जैसे क्रॉस करेगा हम एक ट्रेड करेंगे, अगर आपका यहाँ पर एसएल हिट कर जाता है मार्केट, एसएल हिट कर जाता है इस ट्रेड में आपका प्रॉपर एसएल हिट हो जाता है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वापस वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, अगर नीचे की साइड में कोई प्राइस एक्शन अच्छे से बनने लगेगा तो हम उसको वापस से सेल करने की भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, मार्केट जितना ऊपर जाता रहेगा उतना हम उसके साथ चलते जाएंगे, जब यह हमारा एक बार एसएल हिट करेगा, क्योंकि एवरीडे हम इसको प्लान कर रहे हैं कि एक बार ऊपर यहां पर देखोगे तो सेम हमने प्लान किया था, ये फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर साइड में निकल जाता तो हम बाय ही करेंगे, अगर आपने इसमें बाय किया होता तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहां पर बन चुका होता, क्योंकि यहां पर क्लियर फ्लैट ओपन होने के बाद वापस ऊपर चला गया। सेम कल के लिए भी सेम प्लान, यहाँ पर फ्लैट ओपन ऊपर जाता है बिंदास हम इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन एक बार एसएल आपका हिट हो जाता है तो फिर हम वापस इसको नीचे की साइड में प्राइस एक्शन को देखकर हम ट्रेड करेंगे, जो सेल साइड में आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना मार्केट में अभी भी जरूरी है, या आप देखना चाहिए कि कौन से लेवल पे जाकर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाता है, या ऊपर लेवल पे हो जाएगा या फिर इसी लेवल के आसपास उस पर प्रॉफिट बुकिंग होता है, ये थोड़ा सा हमें प्लान में अभी याद रखना है। जहां पर अगर निफ्टी का लेवल देखोगे तो 17,600, 650 ये सारे लेवल्स इसके लिए कहीं ना कहीं रजिस्टर निकल के आएगा, अब इसके लिए जो स्ट्रांग सबसे सपोर्ट जो रजिस्टर निकल के आने वाला है 17,750 एक स्ट्रॉन्ग निकल के आने वाला है, तब तक हमारे पास 100-150 पॉइंट अभी भी बचे हुए, देखते हैं कल मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करता है फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद कंटिन्यू करता है, ये कल ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन को देखने के बाद डिसाइड हम करने वाले। होप आपको आज पूरे प्लान में मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, कितने लोग कल लोग वेबिनार में थे उनका आई ओपनिंग आपको मिल चुका है ये मुझे जरूर बताना, अगर आपको भी पूरी तरीके से मार्केट को स्टॉक मार्केट सीखना है पूरी तरीके से तो हमारे जो अप्रैल बैचेस का एडमिशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके, आप भी यहाँ पर इसको एनरोल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं यहाँ पर भी एक बार आपको दे रहा हूँ 823776 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मेरे नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ज्वाइनिंग करना है सीखना है तो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।